वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नजीब इकबाल अशरफ, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, एमए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एल एन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, भगवानपुर मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। बच्चों, मैं आज आपको फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपको पिछले क्लास में के ये कहा था कि मैं आपको फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ाऊँगा। हाइपोथेसिस क्या है, उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें क्या तत्व होते हैं, उसमें पुराने कथन होते हैं, पुराने कथन को आधार माना जाता है, है? इस तरह से हम हाइपोथेसिस को समझते हैं। सामान्य शब्दों में परिकल्पना, जिसको अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं और हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। तो सामान्य शब्द में परिकल्पना का मुख्य अर्थ पूर्व चिंतन होता है, यानी के पुराने थॉट्स, पुरानी बातें, पुराने फैक्ट्स जिस पर रिसर्च हो चुका है, हम उनकी बातें करते हैं। यह अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है ना। मतलब जो पुराने कथन हैं, पुराने फैक्ट्स हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं, है ना, उसकी बातें हम करते हैं, है ना, और तब हम परिकल्पना को समझने की कोशिश करते हैं। और यह अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह अनुसंधान का द्वितीय सोपान माना जाता है। इसमें परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रायः सभी क्रियाओं का नियोजन परिकल्पनाओं को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत समस्या के समाधान तथा प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने का प्रयास प्रायः परोक्ष रूप में होता है। इस कारण अनुसंधानकर्ता को परिकल्पना का अर्थ तथा उसकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक होता है। तो इससे पहले कि हम समझें कि आखिर परिकल्पना क्या है, इसका क्या स्वरूप होता है, इसके क्या तत्व होते हैं, है ना, तो हम परिकल्पना के अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, उसके बारे में अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। साधारणतः परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से होता है। यह उपकथन हमारे परिकल्पना के लिए आवश्यक होता है, जो कि किसी समस्या की अवधारणा होती है। उपकथन जो होता है, वो किसी समस्या की अवधारणा होती है। परिकल्पना में कथन का स्वरूप एक व्याख्या के रूप में होता है। अनुसंधानकर्ता उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता है, जो कि प्रायः सिद्धांत अथवा अवलोकन पर निर्धारित होता है। अनुसंधान में जब किसी सिद्धांत की समंकों तथा प्रमाण के आधार पर प्रमाणित की जाती है, तब उसे परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है। संपूर्ण अनुसंधान एक क्रिया निश्चय ही परिकल्पनाओं पर ही निर्भर होती है। बात तो समझ में आ गई कि संपूर्ण अनुसंधानिक क्रियाएं, संपूर्ण अनुसंधानिक क्रियाएं निश्चय ही परिकल्पनाओं पर ही आधारित होती हैं। परिकल्पना की प्रामाणिकता से ही निष्कर्ष सामने आते हैं। तो जब तक के परिकल्पना का सर्टिफिकेशन नहीं होगा, तब तक के उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष बाहर निकल के नहीं आ सकता है। परिकल्पना को अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसको आपको खूब पता है। ये दो शब्द हाइपो प्लस थेसिस बराबर हाइपोथेसिस। यहाँ पर हाइपोथेसिस का अर्थ संभावित होता है, जबकि थेसिस का अर्थ समस्या के समाधान का कथन होता है। इन दोनों को मिलाने से जो शब्द बनते हैं, वो समस्या के समाधान का कथन होता है। इन दोनों को मिलाने से जो शब्द बनता है, वो समाधान के संभावित कथन
अथवा संभावित समस्या समाधान के कथन होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हाइपोथेसिस का अर्थ समस्या के समाधान के लिए कथन करने से लगाया जाता है। तो उपरोक्त जो भी बातें हाइपोथेसिस के अर्थ में कही गई है वह हाइपो बराबर दो अथवा दो से अधिक चरों का सम्मिश्रण। चर का मतलब वेरिएबल्स होता है, यानी कि दो अथवा दो से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं उसका सम्मिश्रण होता है। थेसिस बराबर होता है उन वेरिएबल्स की स्थिति को प्रदर्शित करना, उन वेरिएबल्स की सिचुएशन को जाहिर करना, प्रकाशित करना। निश्चय ही जब हम थेसिस के वेरिएबल्स की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं तो निश्चय ही यह परिकल्पना का व्यवहारिक तथा विस्तृत अर्थ माना जाता है। तो प्रायः किसी परिकल्पना में कुछ वेरिएबल्स का सम्मिश्रण करके उनकी स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से सम्मिश्रण तथा स्थिति को प्रमाणिकता समंगों अथवा प्रमाणों के माध्यम से ही करना संभव होता है। यानी कि बात साफ जाहिर हो जाती है कि परिकल्पना पूर्व कथाओं पर आधारित होता है। और जो साइंटिफिक स्टडी अब तक हो चुके हैं, जितने भी वैज्ञानिक रिसर्च हो चुके हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं, उनके जो फैक्ट्स हैं उसको आज के डेट में हम मान के चलते हैं कि ये हम इसको साबित कर सकते हैं। ये साबित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन सब का अतिरिक्त परिकल्पना को संभावित समाधान भी कहा जाता है। परिकल्पना को संभावित समाधान भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारी परिकल्पना है उसका सॉल्यूशन कल निकल सकता है, ऐसा मान लिया जाता है। तो यहाँ पर पूर्व कथन को अस्थायी रूप से सही मानकर यहाँ पर पुरानी बातों को, पुराने स्टडी को अस्थायी रूप से मानकर जिसका प्रतिपादन किया जा सकता है, इसकी प्रमाणिकता का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार परिकल्पना निश्चयी अनुसंधान के लिए मार्ग तैयार करती है। बच्चों बात समझ में आ गई? सबसे अतिरिक्त परिकल्पना को संभावित समाधान भी कहा जाता है। यहाँ पर पूर्व कथन से अस्थायी रूप से सही मानकर उसकी प्रमाणिकता का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार परिकल्पना निश्चय ही अनुसंधान के लिए मार्ग तैयार करती है। अब आपको हम डिफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस बताते हैं। डिफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना की परिभाषाएं। तो अनेक विद्वानों ने समय समय पर परिकल्पना को अपने शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश की है। उनमें प्रमुख परिभाषा जॉन डब्ल्यू बेस्ट का है। परिकल्पना एक विचारयुक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जा सकता है और अस्थायी रूप से सही मान लिया जाता है, और निरीक्षण तथा समंगों के आधार पर तथ्यों पर तथा परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की जाती है, जो आगे अनुभव कार्यों को निदान देता है। बात समझ में आ रही है? अंग्रेजी में जॉन डब्ल्यू बेस्ट इसी डिफिनेशन को बताते हैं। ए हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड। इट इज द मोस्ट एलिमेंट्री स्टेज। द हाइपोथेसिस मे बी एनी हंच, गेस, इमेजिनेटिव आइडिया विच बिकम द बेसिस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि यहाँ पर साफ हो जाता है कि एक परिकल्पना एक विचार कथन है जिसका प्रतिपादन किया जा सकता है, जिसको अस्थायी रूप से सही मान लिया जाता है, और फिर उसका निरीक्षण तथा समंगों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, परिस्थितियों को के आधार पर व्याख्या की जाती है। ठीक है, ये दूसरा गुड तथा हैट के अनुसार परिभाषा है। एक परिकल्पना वह बात कहती है जिसमें हम आगे सोचते हैं। परिकल्पना सदैव आगे को देखती है। यह एक माध्यम
ये एक साध होती है जिसकी वैधता हेतु परीक्षण किया जाता है, यह सत्य सिद्ध हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब जो भी है वो परिकल्पना को मान के चलते हैं कि उसकी जो आगे जो जो कुछ भी है उसको हम परिकल्पना के लिए मान लेते हैं। यह एक साध होती है जिसकी वैधता मतलब जिसका वैरियाबल वैलिडिटी हेतु परीक्षण किया जाता है कि यह सत्य सिद्ध हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसी का गुड एंड हैट के अकॉर्डिंग ये हाइपोथेसिस स्टेट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर व्हाट, ये हाइपोथेसिस लुक्स फॉर व्हाट, इट इज प्रोपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी, इट मे प्रूव टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ गुड एंड हैट। इसी तरह से एम वर्मा का डिफिनेशन है कि परिकल्पना किसी सिद्धांत का वह रूप है जिसके एक परीक्षण योग तर्क साध के रूप में लिखते हैं और जिसकी स्पष्टता से संबंधों के आधार पर प्रयोगात्मक निरीक्षण के आधार पर पुष्टि की जा सकती है। तो एम वर्मा का डिफिनेशन इंग्लिश में ए थ्योरी व्हेन स्टेटेड एज ए टेस्टेबल प्रोपोजिशन फॉर्मली एंड क्लियरली एंड सब्जेक्ट टू एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज नोन एज ए हाइपोथेसिस। तो परिकल्पना किसी सिद्धांत का वह रूप है जिसके जिसे परीक्षण के योग्य तर्क साध के रूप में लिखते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं, उसके संबंधों के आधार पर और प्रयोगात्मक निरीक्षण के आधार पर उसकी पुष्टि की जाती है। तो इसी तरह से और भी डिफिनेशन है जिसको बार एंड एस्केट्स के अनुसार परिकल्पना एक अस्थायी रूप से अस्थायी माना हुआ कथन है जिसका आधार उस समय तक उस विषय घटना के विषय में ज्ञान होता है और इसे नए सत्य की खोज के लिए आधार बनाया जाता है। तो बार एस्केप्स इस तरह से इन्होंने परिकल्पना को परिभाषित किया है। तो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस हाइपोथेसिस को परिकल्पना को अपने शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश की है। चलिए एक बार एस्केप्स के अनुसार एक इंग्लिश में डिफिनेशन है कि हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट टेम्पोरली एक्सेप्टेड एज ट्रू इन द लाइट ऑफ व्हाट इज द टाइम नोन about a phenomenon and it is implied as a basis for action in the search for new truth। तो परिकल्पना एक अस्थायी रूप से सत्य माना हुआ कथन है जिसका आधार उसी समय तक उस विषय घटना के विषय में ज्ञान होता है और इसे नए सत्य की खोज के लिए आधार माना जाता है। तो कुछ विद्वानों ने परिकल्पनाओं के गणितीय आधार पर भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। जॉन गाल्टून उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने जो एक अनुसंधान विशेषज्ञ हैं। इसी तरह से एफ एन कलिंगर अपने शब्दों में इसे परिभाषित करते हैं कि परिकल्पना दो अथवा अधिक राशियों अथवा चरों के संबंधों का कथन है। तो हाइपोथेसिस इज ए कंजेक्चुरल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं जिसमें खास तौर से